क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार की देर शाम भारतीय खिलाड़ी कैरेबियन आइलैंड पहुंच गए और अब 22 जुलाई को पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। यानी कि तैयारी के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बस मिले हुए वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हेड कोच राहुल द्रविड़ परेशान हैं क्योंकि सिर्फ दो ही सेशन यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, लिहाजा चार सवाल जो कि बहुत बड़े हैं वो खड़े हो गए हैं और इन चार सवालों के जवाब में ही भारत की वेस्टइंडीज पर जीत टिकी हुई है और कोच राहुल द्रविड़ के साथ ही सीरीज के लिए कप्तान शिखर धवन हिटमैन रोहित शर्मा के प्लान को तैयार कर चुके हैं। जी हाँ, रोहित शर्मा के प्लान से यहाँ पर चलने को तैयार हैं। तो क्या है वो चार सवाल और क्या है हिटमैन का प्लान और क्यों परेशान है राहुल द्रविड़, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो लंबे समय बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज पहुंची है, लेकिन इस बार टीम सितारों से सजी नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार के साथ ही ऋषभ पंत को भी आराम दिया गया है। वहीं केएल राहुल चोट के चलते खुद ही बाहर हैं। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे खिलाड़ी नए हैं और उनको मौका भी मिलना तय है। अब इंडीज पहुंचते ही कोच राहुल द्रविड़ परेशान हो गए। राहुल द्रविड़ ने कहा कि यहां पहुंचकर उन्हें तैयारी के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला है क्योंकि टीम इंडिया के पास नेट के लिए सिर्फ दो ही सेशन है। बुधवार को और गुरुवार को दो नेट सेशन होंगे और उसके बाद शुक्रवार को मुकाबला ही खेला जाना है। लिहाजा कोच राहुल द्रविड़ परेशान है कि तैयारी कैसे होगी। तो ऐसे में हिटमैन का प्लान लागू किया जा रहा है। अब हिटमैन का प्लान भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो चार सवाल और उनके जवाब भी देखिए और समझिए जो कि सीरीज जीतने के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल है पेस अटैक का। जी हाँ, इंग्लैंड में शमी और बुमराह ने शानदार खेल दिखाया था और शुरुआत में ही विकेट झटक कर इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया था और यहाँ पर पेस अटैक कौन संभालेगा, ये भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर भारत की जीत का बड़ा सूत्र भी टिका हुआ है। मोहम्मद सिराज खेलेंगे और वो कुछ हद तक बुमराह की कमी दूर कर सकते हैं, लेकिन शमी की कमी दूर होती फिलहाल दिख नहीं रही है क्योंकि दूसरे विकल्प शार्दुल ठाकुर हैं जो कि ठीक ठाक गेंदबाज हैं लेकिन उतने मारक कभी नहीं रहे। हाँ, अर्शदीप सिंह टीम जरूर है और बाएं हाथ के अर्शदीप को एक्स फैक्टर के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है और बाकी अन्य विकल्प आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा है। यानी कि पेस अटैक में टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, वो सटीक पेस लाइनअप यहां पर मिलती हुई दिख नहीं रही और इस सवाल का जवाब अगर मिल गया तो फिर जीत भी दूर नहीं है। दूसरा सवाल है ऑलराउंडर का। हार्दिक पांड्या के आने से टीम इंडिया में ये सवाल खत्म हो गया था क्योंकि पांड्या बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही जगहों पर धमाल मचा रहे हैं, लेकिन अब पांड्या ही टीम में नहीं है तो उन्हें रिप्लेस कौन करेगा। ऐसे में रविंद्र जडेजा टीम के साथ मौजूद हैं पहले से ही और वो खेलेंगे दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर। दीपक हुडा को टीम में जगह मिलेगी जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं लेकिन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर यहाँ विकल्प है ही नहीं, जो कि टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हाँ, शार्दुल ठाकुर टीम में जरूर मौजूद है और अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर कुछ हद तक समस्या दूर हो सकती है, नहीं तो ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया के लिए मुश्किलें आना था। तीसरा सवाल है मिडिल ऑर्डर का। इंग्लैंड दौरे पर विराट, पंत, हार्दिक के साथ मिलकर सूर्या ने मिडिल ऑर्डर को संभाला था लेकिन यहाँ पर अब तीन स्लॉट खाली हैं। सिर्फ सूर्य कुमार यादव टीम में शामिल है और सूर्या यहाँ पर खेलेंगे लेकिन बाकी तीन विकल्पों के तौर पर श्रेयस अय्यर हैं जो कि लगातार खराब फॉर्म में है और विराट की जगह उन्हें खिलाया जा सकता है लेकिन वो इतने सक्सेसफुल होंगे ये कहा नहीं जा सकता। दूसरे विकल्प संजू सैमसन है जो कि शानदार खिलाड़ी तो हैं लेकिन संजू सैमसन कभी भी रेगुलरली रन नहीं बनाते और एक बड़ी पारी खेलकर एक मैच में रन बनाकर उनका बल्ला खामोश हो जाता है। वहीं दीपक हुडा भी टीम में अच्छे विकल्प वो हैं और फॉर्म में भी चल रहे हैं और इसीलिए मिडिल ऑर्डर में फिलहाल दीपक हुडा ही एक सक्सेसफुल खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे हैं लेकिन सटीक कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा और जीतना होगा और तभी यहाँ पर ये चुनौती पार हो सकती है। चौथा और एक और बड़ा सवाल है ओपनिंग का। रोहित शर्मा टीम में नहीं है, लिहाजा शिखर धवन के साथ फर्स्ट चॉइस ओपनर बाएं हाथ के ईशान किशन ही है क्योंकि वो लंबे समय से टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन किशन की खराब फॉर्म भी चिंता का विषय है और दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज होने से विरोधियों के लिए भी प्लान बनाना आसान होगा। विकल्प के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल भी हैं जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और अच्छे विकल्प साबित भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर माथा पच्ची लंबी होने वाली है और ये सवाल भी मैच के साथ साथ सीरीज जीतने के लिए हल होना जरूरी है। अब इन सारे सवालों के जवाब रोहित शर्मा के प्लान से मिल सकते हैं। जी हाँ, हिटमैन ने इंग्लैंड में जो पुछल्ला प्लान इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था वो प्लान यहाँ लागू किया जा सकता है और वो प्लान है ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर खिलाड़ियों को खिलाना, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ या तो गेंदबाजी करें या फिर विकेट कीपिंग या फिर कुछ और करें और बल्लेबाजी की गहराई ज्यादा हो, टेल कम से कम लंबी हो जिससे कि आखिर तक मैच जीतने की संभावना बनी रहे बची रहे और यहाँ पर यही होता हुआ दिख रहा है।
कोच राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा के इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं और इसी आधार पर टीम में सिलेक्शन भी होना है और वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसी ही टीम रोहित शर्मा के प्लान से बनती हुई दिख रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या रोहित शर्मा के इस प्लान से इन चारों सवालों के जवाब मिल जाएंगे और सवालों के जवाब मिल गए तो क्या भारतीय टीम सीरीज के साथ मैच भी जीत जाएगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंग्लैंड की धरती पर वैसे तो पेस बॉलर्स का ही जलवा रहता है, मगर इस बार पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स ने भी कमाल दिखाया और उसमें भी सबसे खास रहे युजवेंद्र चहल। चहल के इसी अंदाज पर रोहित शर्मा भी फिदा हो गए। जी हाँ, मैच पंत और पांड्या ने जिताया, लेकिन मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा युजवेंद्र चहल की बात करने लगे, चहल की बात कहने लगे। सीरीज जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का इंटरव्यू हुआ तो पहले रूटीन अंदाज में रोहित ने बल्लेबाजों की तारीफ की, गेंदबाजों की भी तारीफ की और फिर पंत और पांड्या की तारीफ में कहा कि दोनों ही बल्लेबाजों ने खुलकर खेला और एक मिनट भी नहीं लगा कि दोनों कहीं से भी डर रहे थे। अब इसके तुरंत बाद रोहित ने चहल की बात शुरू कर दी। जी हाँ, रोहित ने कहा कि युजवेंद्र चहल एक ऐसा बॉलर है जिसे आप किसी भी पिच पर किसी भी देश में खिला सकते हैं और इस सीरीज में भी चहल ने दिखाया है कि वो क्या कर सकता है। रोहित ने आगे कहा, चहल को T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया जो कि बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, यहाँ पर रोहित शर्मा ने सीधे सीधे सवाल चयनकर्ताओं पर उठा दिया कि चहल जैसे बॉलर को आपने वर्ल्ड कप क्यों नहीं खिलाया और ऐसी नाइंसाफी क्यों चहल के साथ की गई। रोहित ने कहा, चहल के साथ अब तक घनघोर नाइंसाफी हुई है लेकिन अब आगे नहीं होगी और चहल आगे खेलेगा, सारे ही फॉर्मेट खेलेगा। अब यहाँ पर रोहित ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया क्योंकि वनडे और T20 मैचों में तो चहल खेलते ही रहे हैं और सारे फॉर्मेट से मतलब अब टेस्ट मैच ही बचा, यानी कि चहल बहुत जल्द टेस्ट मैचों में भी डेब्यू करने वाले हैं और ये बहुत लंबे समय बाद होगा जब भारत का कोई लेग स्पिनर टेस्ट मैच खेलेगा और वो चहल होने जा रहे हैं। रोहित शर्मा तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान हैं। रोहित ने साफ साफ कह दिया कि चहल उनके लीड बॉलर हैं। अब चहल के साथ नाइंसाफी आगे नहीं होगी, गलत नहीं होगा और अब रोहित का जेस्चर यहां पर कमाल था क्योंकि चहल ने तीसरे मैच में ठीक ठाक बॉलिंग की थी, कोई बहुत ज्यादा अद्भुत गेंदबाजी नहीं की थी लेकिन असली हीरो पंत और पांड्या ही थे, मगर यहां पर रोहित ने उनसे ज्यादा चहल का जिक्र किया, चहल का सपोर्ट किया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चहल के लिए रोहित कितना परेशान है और वो परेशानी रोहित के चेहरे पर, रोहित की आंखों पर साफ साफ नजर आई। तो कुल मिलाकर अब माना जाना चाहिए कि चहल के सुनहरे दिन आ चुके हैं। चहल अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला तो खेलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट डेब्यू का भी उन्हें मौका मिलने वाला है। तो आपका क्या मानना है, चहल के लिए रोहित का बयान कितना सही है कितना गलत और चहल क्या टेस्ट मैचों में कमाल कर पाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।